ত্রিপুরার জোট সরকারের উপর থেকে কি সমর্থন প্রত্যাহার করতে পারে আইপিএফটি? এমন সম্ভাবনার তৈরি হয়েছে আইপিএফটি যুব সংগঠনের নেতা শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ার সাম্প্রতিক বক্তব্যে। এমনিতে 8 জানুয়ারি গুলি চালনার ঘটনায় অস্বস্তিতে রয়েছে আইপিএফটি, কারণ ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক বলা ছাড়া আইপিএফটির নেতারা তেমন কোনো কথা বলতে পারেননি, এমনকি ঘটনার প্রতিবাদ বা নিন্দাও জানাতে পারেননি তারা। অথচ যারা গুলিতে আহত হয়েছেন তারা প্রায় সবাই আইপিএফটি দলের সক্রিয় সদস্য। এমন অবস্থায় যদি আইপিএফটি নেতারা চুপ করে থাকেন তাহলে অন্য উপজাতি ভিত্তিক দলগুলো এর ফায়দা নেবে, পাহাড়ে ক্রমেই ক্ষয়িষ্ণু হবে আইপিএফটি, একথা ভালো করে জানেন দলের নেতারা। অন্যদিকে দলের ভেতরেও চাপ রয়েছে 2-3 জন নেতা সরকারের মধুর ভাণ্ডের স্বাদ নেবার জন্য। দল যে ক্রমেই তার সদস্য সমর্থকদের প্রতি মুখ ফেরাচ্ছে তার উদাহরণ 8 জানুয়ারির ঘটনা। স্রেফ বিজেপির ভয়ে, সরকার থেকে বের করে দেবার ভয়ে ওই দিনের ঘটনার নিন্দা বা প্রতিবাদ জানাতে পারেনি আইপিএফটি। এদিকে দলের যুব সংগঠনের সভাপতি শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ার সাম্প্রতিক একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে তিনি অন্য একটি চ্যানেলকে জানাচ্ছেন প্রয়োজনে সরকার থেকে তারা বেরিয়ে যাবেন, কিন্তু শুক্লাচরণ নোয়াতিয়াদের সরকার ছেড়ে বেরিয়ে আসার মতো সাহস হবে তো? চলুন শুনে নেই কি বলেছেন শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। अभी तक हम लोग का ये डिसीजन अभी फाइनल नहीं हुआ, होने वाला है। इट मे बी आफ्टर 2 days या 3 days विल बी डिसाइडेड फाइनल डिसीजन। तो हम लोग का यही डिमांड है अभी, ये सिटीजनशिप जब तक नहीं रुकेगा, सिटीजनशिप बिल को जब तक ये बंद नहीं करेगा तब तक हमारा आईपीएफटी पार्टी और यूथ विंग्स और स्टूडेंट विंग्स जो भी विंग्स है हम लोग मिल के ये इशू को हम लोग मूवमेंट करेगा, अपोज करेगा स्ट्रांगली। वी आर कंडेम इट इशू को। जस्ट लाइक एजीपी योर पार्टी इज द रीजनल पार्टी, दे विद ऑलरेडी विथड्रॉ देयर सपोर्ट, तो आप लोग भी सपोर्ट विथड्रॉ कर सकते हैं एनी मोमेंट, तो थोड़ा बोल दीजिए। एजीपी विथड्रॉ किया है, एजीपी को हम लोग सैल्यूट देता हूं। ये एजीपी सिर्फ एजीपी का इशू नहीं है, ये एजीपी को हम लोग यही वेलकम करना चाहता हो और रिक्वेस्ट करना चाहता हो। सिर्फ एजीपी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का हर स्टेट का जितना भी हमारा ट्राइबल्स है, हम लोग इस इशू को लेके यूनाइटेडली हम लोग मूवमेंट करना चाहिए। और एजीपी जो सिटीजनशिप बिल को लेके वो लोग विथड्रॉ किया है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट जो रहता है उन लोग भी शिक्षा होना चाहिए, उन लोग भी रियलाइज करना चाहिए ये लोकल डिमांड और स्टेट का डिमांड और जो नॉर्थ ईस्ट का डिमांड ये क्या है, उन लोग रियलाइज करना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट का डिमांड नहीं सुनेगा, ये स्टेट का डिमांड नहीं सुनेगा, अगर पब्लिक का ये आंदोलन नहीं सुनेगा, तो पार्लियामेंट और इंडिया गवर्नमेंट जो भारत में बैठा है सरकार चला रहा है उन लोग का ये रियलाइज करना चाहिए आने वाला समय क्या होगा। जैसे एजीपी का जैसे ये लोग जैसे उद्योग किया ना, आप लोग भी 2-3 दिन के अंदर में उद्योग कर सकते हैं, अभी आलोचना चल रहा है तो थोड़ा बोल दीजिए। हाँ, मैं भी विद्रो कर भी सकता है, क्योंकि अगर ये सिटीजनशिप बिल अगर पास हो जाएगा, अगर हमारा नया सेपरेट स्टेट नहीं चुनेगा, तो हम लोग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ रह के हम लोग क्या फायदा है। हम लोग का आइडियोलॉजी, हम लोग का जो टारगेट है सिर्फ पावर में बैठने के लिए तो आइडियोलॉजी नहीं है, मिनिस्टर लेने के लिए तो आइडियोलॉजी नहीं है, और MLA में लेने के लिए तो हम लोग का आइडियोलॉजी नहीं है। हमारा आइडियोलॉजी यही है, आज मेरा स्टेटमेंट यही रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का प्रायोरिटी यही होना चाहिए अपना जाति, अपना माति, अपना भूमि, अपना नेशन। उसके बाद सेकेंडरी जो स्टेटमेंट होगा वो पॉलिटिकल भी जा सकता है और अपना डिसीजन भी ले सकता है, अपना करियर भी बना सकता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रायोरिटी होना चाहिए हम लोग का, जितना भी नॉर्थ ईस्ट का हर स्टेट का हमारा जितना भी सोसाइटी का लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, उन लोग को मैं यही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगेन ये सिटीजनशिप बिल को लेके आने वाला साल में, आने वाला दिन में हम लोग कैसे यूनाइटेडली हम लोग मूवमेंट कर सकता है, ये चीज सोचने के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ असम का मुद्दा नहीं है, असम का इश्यू नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 3 रॉक।